ये रूपम झा है जो मुखिया उम्मीदवार हैं सहरसा के चैनपुर गांव के। आप सोच रहे होंगे तो इसमें नई बात क्या है, पंचायत चुनाव के दौरान उम्मीदवार तो होते ही हैं। तो आपको बता दें कि मुंबई जैसे शहर में 20 लाख के पैकेज की नौकरी छोड़ मुखिया चुनाव लड़ने आई हैं रूपम। मुंबई की चकाचौंध को छोड़कर सुदूर गांव चैनपुर में विकास का अलग जगाने पहुंची हैं रूपम झा। रूपम ने मुंबई के प्रतिष्ठित कॉलेज से MBA और मास कॉम की पढ़ाई पूरी कर एक प्राइवेट कंपनी में अच्छे पैकेज पर नौकरी कर रही। इसके बावजूद गांव की बदहाली, यहां बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा, लचर स्वास्थ्य व्यवस्था से परेशान हो इन्होंने विकास का अलग जगाने का ठान लिया और पंचायत चुनाव लड़ने के लिए गांव आ पहुंचे। मैं मुंबई में मल्टीनेशनल कंपनीज में कार्यरत हूं, मैं मीडिया हाउसेस से जुड़ी हुई हूं, मैं पिछले 15 साल से मीडिया हाउसेस में काम कर रही हूं। मैंने मुंबई के नरसिंह मुंजी जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से MBA किया है और मास कॉम की डिग्री भी ली है मैंने वहाँ पर। लेकिन मैं जिस घराने से आती हूँ, अपने ससुराल में जिस घराने से आती हूँ, मेरे फादर इन लॉ रेनाउंड सर्जन है, मेरे ब्रदर इन लॉ वो भी डॉक्टर हैं, उनकी वाइफ भी डॉक्टर है, मेरे हस्बैंड खुद मुंबई में वेस्ट हेड हैं मल्टीनेशनल कंपनी के। ये डिसीजन लेना कि मैं गांव में आकर के काम करूंगी बहुत इजी भी नहीं था मेरे लिए। रूपम झा ने मुखिया के चुनाव को लड़ने की तैयारी फरवरी से ही शुरू कर दी। रूपम जब गांव पहुंची तो यहां स्कूल नहीं देख सबसे पहले तो छोटे बच्चों के लिए एक स्कूल खोला और खुद पढ़ाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, गांव के लोगों को सुबह में योगा भी सिखाती हैं और फिर वक्त मिलते ही निकल जाती हैं अपना चुनाव प्रचार करने। वहीं गांव के लोगों की माने तो रूपम एक बेहतर विकल्प हो सकती है। विकास की झलक तो इनमें हम देख रहे हैं, क्योंकि जब से आई है मुंबई छोड़ के, अपना जॉब छोड़ के, तब से हम ढोली गांव के रहने वाले, उन्हीं की पंचायत के, चैनपुर पंचायत की ढोली ग्राम के रहने वाले हैं। जब से आई है तब से देख रहे हैं जो ढोली गांव में भी स्कूल खोल के बच्चे के साथ रहते हैं और पढ़ाते हैं और अपना कुछ ना कुछ काम करते ही रहती है। इनमें वो जज्बा देख रहे हैं जो हमारा विकास सही सलामत करेंगे, और पढ़ी लिखी भी है, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। मेरे गाँव में जब से महिला का कैंडिडेट होता है तब से जो है सर मुखिया कैंडिडेट में जो है सो पतिये के नाम से जाना जाता है, जो फलना का पति है, अति पत्नी है। ये जो है सो रूपम झा जब से खड़ा हुआ है तब से लगता है जो बहुत पढ़ी लिखी है, ये अपना जो है सो जॉब छोड़ के वहाँ से आई है, यहाँ जो है सो पंचायत का विकास बहुत बढ़िया होने के लिए जा रहा है सर, बहुत बढ़िया करती आ रही है, पंचायत का विकास होगा इनके मुखिया बनने के। गांव में अक्सर मुखिया भले ही महिला हो जाए लेकिन काम तो मुखिया पति ही कर, लेकिन रूपम के मामले में ऐसा नहीं है। रूपम के पति बच्चों के साथ मुंबई में रहते हैं। गांव के लोग यह बात भी मानते हैं कि अगर रूपम मुखिया हुई तो अपने नाम से जानी जाएंगी, ना कि उनके जगह कोई मुखिया पति। रूपम ने एक बड़ा चैलेंज तो ले लिया है, अच्छे पैकेज की नौकरी छोड़ गाँव में पंचायत चुनाव लड़ने, लेकिन देखना यह होगा कि इस चुनाव में वो जनता का विश्वास जीत पाती है या नहीं। सहरसा से धीरज कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।